भिलाई इस्पात संयंत्र के सिंटरिंग प्लांट 3 में कार्यरत ठेका श्रमिक कंप्यूटर ऑपरेटर रोशन साहू की मृत्यु शनिवार की सुबह 20 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से हो गई। उतई नयापारा निवासी रोशन साहू इंजीनियरिंग कंप्लीट कर बीते 3 साल से टेक्नो केयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर रहा था। फिलहाल भट्टी थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं मृतक के भाई परमानंद साहू ने अनुकंपा नियुक्ति की गुहार प्रबंधन से लगाई है। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ भी मौके पर मौजूद रहा और मृतक के परिवार के हक में फैसला लेने को कहा। आज हमारे संयंत्र में एक दुर्घटना हुई है। SP3 में हमारे एक श्रमिक खत्म हुए जो इंजीनियरिंग किए हुए थे, इनका इनकोटेक कंपनी में काम करते थे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ होने के बाद ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं और ये शायद स्लिप होके गिरे हैं। क्या हुआ, जांच कमेटी गठित हुई है, उस पर देखा जाएगा, उसमें जो निर्णय होगा होगा। पर प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है कि जो श्रमिक जो चला गया है उसके परिवार को उचित मुआवजा जो प्रबंधन की ओर से बनता है निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए और जो भी सुविधाएं कर्मी के मृत होने पर मिलता है वो निश्चित रूप से उसे दिया जाना चाहिए। और BMS ऐसे सभी श्रमिकों के साथ संयंत्र के अंदर बिल्कुल खड़ा हुआ है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। मैं तो एक सलाह मैनेजमेंट को यह भी देना चाहूँगा कि जब भी कोई नया ठेका आप वितरित करते हैं या किसी ठेकेदार को देते हैं तो उसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया जाए कि यदि आपका कोई श्रमिक ख़त्म होता है तो उसे आपको ये मुआवजा देना होगा, जिससे वो सेफ्टी प्रिकॉशन ज़्यादा लेगा, जिससे प्रबंधन का एक बहुत बड़ा काम भी हट जाएगा और जो बार्गेनिंग की जो स्थिति बनती है ये कम से कम नहीं रहेगी। राकेश कुमार साहू, मैं जहाँ तक जानता हूँ उनका नाम था, उनकी उम्र 29 वर्ष थी, 29 ईयर के एज थे वो, यंग युवा लड़का था, अच्छा मेहनत कर रहा था प्लांट के उसमें उत्पादन में अपना सहयोग कर रहा था। अब दुर्घटना लिखी थी उसके साथ हो गई भिलाई इस्पात संयंत्र से, हमारी पूरी यूनियन इनके साथ खड़ी है, हमारे कार्याध्यक्ष चन्ना केसवालू जी, महामंत्री हमारे रवि सिंह जी, अशोक मोहर जी, सुदीप सेन गुप्ता जी, राजेश चौहान जी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। ठीक, और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रबंधन इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कर दे। सर जी, हमारे भाई जो है ना सुबह फर्स्ट ड्यूटी 5:30 बजे निकले है ना, इस दौरान चले गए ड्यूटी में सही समय पहुँच जाने के कारण वहाँ उसकी दुर्घटना भी हो गई है ना। तो हम चाहते हैं, घर वही चलाता था तो हम प्रबंधक से यही चाहते हैं कि कुछ मदद राशि और नौकरी वोकरी एक मिले है ना, क्योंकि घर चलाने वाला वही था, वही चले गया। और हमें फोन में जानकारी मिली कि उसका डेट हो गया है। तो हम प्रबंधक से यही चाहते हैं कि तकरीबन मेरे को 9 बजे जानकारी मिली और उसका एक्सीडेंट 8 बजे हो चुका था। तो एक नौकरी और 20 लाख रुपये की मांग प्रबंधक से करना चाहते हैं।